ये नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, ठूठीबारी महेशपुर बॉर्डर। और यहाँ पे हम इंडिया के साइड पे हैं। अभी मैं बस में बैठ चुका हूँ, जो बस ठूठीबारी से गोरखपुर तक जाती है। बीच में कहीं उसका बस चेंज करना नहीं पड़ता है कि बस में बैठ के हम चल जा सकते हैं ठूठीबारी से गोरखपुर तक। और यहाँ पे अभी जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। हम अभी निचलौल के ओर आ चुके हैं। इधर हम देख सकते हैं रोड कितना पतला है, और दो गाड़ी आते समय जो फुटपाथ, एक कोई भी फुटपाथ नहीं बची होती है। फुटपाथ थोड़ा होता भी है तो लोग अपना गाड़ी पार्क कर देते हैं, मोटरसाइकिल पार्क कर देते हैं। वहाँ पे ठेला लगा होता है, फल का ठेला और कुछ खाने वाला चीज़ का ठेला लगा हुआ होता है, तो वहाँ पे जाम बहुत कॉमन बात है। अब हम आ चुके हैं ज़िला महाराजगंज का हेडक्वार्टर में, महाराजगंज जिसका नाम है इस जगह का। और जो ठूठीबारी से गोरखपुर का डिस्टेंस है वो अराउंड 100 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो भी हमको बस में, पब्लिक बस में जब आते हैं तो हमको 3 घंटे लग जाते हैं। 100 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लग जाते हैं। अगर हम किसी और गाड़ी से जाएं तो इससे कम समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन जो ये पब्लिक बस होती है वो रुक रुक के जाती है थोड़े थोड़े दूर पे। और एक बात हम ख्याल करेंगे, जितना भी इधर बॉर्डर से जितना अंदर जाते रहेंगे, हम इंडिया के जितने भी अंदर घुसेंगे उतना ही डेवलपमेंट हमको दिखाई देगा, क्योंकि इधर जितना अंदर जाएंगे हम इंडिया का उतना ही विकास देखने को मिलेगा। और बॉर्डर साइड में थोड़ा कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी है और कुछ शिक्षा की अभाव है, तो उधर थोड़ा मतलब कुछ डिफरेंस हो ही जाता है। अभी यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है इधर, तो कुछ गाड़ी नीचे उतर के जा रही हैं। एक ही लेन अभी बना है इधर। और ये तो लंदन पेरिस का टावर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये एक नेटवर्क टावर है, कोई जियो कंपनी या कोई और टावर है, लेकिन वो प्राइवेट जैसे मुझे लग रहा था कि कोई प्राइवेट किसी ने बनवाया होगा। और अब हम आ चुके हैं गोरखपुर के कुछ नज़दीक, एकदम नज़दीक एंट्री कर रहे हैं गोरखपुर में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस है बॉर्डर साइड और इधर गोरखपुर में। गोरखपुर भी एक विकसित डेवलप्ड सिटी है, यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े बैंक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। यहाँ पे हाल ही में जो रोड बना है उसके वजह से जो साइड में देख सकते हैं आप, सब घर टूटा हुआ है वो लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं। आ चुके हैं गोरखपुर हॉस्पिटल लाइन और सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर का देख सकते हैं आप। और इस एरिया में गोरखपुर का सबसे मशहूर जितना भी हॉस्पिटल है इसी एरिया में है, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ होता है, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए। और सुना है कि काफ़ी यहाँ पे अच्छी इलाज होती है।
मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है। अब मैं आ चुका हूँ गोरखपुर रेलवे स्टेशन और गेट नंबर 1 से मैं एंट्री किया। इधर आप देख सकते हो गेट नंबर 1 से मैंने एंट्री किया है इधर। और मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है वो विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। इतना लंबा रेलवे स्टेशन कहीं पे नहीं है विश्व में। और इंडिया का पूरा शहर जो मेजर मेजर सिटी है इसी गोरखपुर से, पूरा मेजर सिटी में इंडिया का सबसे बड़ा बड़ा शहर में गोरखपुर से ट्रेन जाती है। ऐसा कोई भी शहर नहीं होगा जहां गोरखपुर से ट्रेन ना जाती हो। और क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए एकदम ये बेनिफिशियल है, बहुत बड़ा लाभदायक है, क्योंकि वो लोग जब बाहर जाते हैं कमाने तो इस रेलवे स्टेशन का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे मैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन के ओवर ब्रिज पे चढ़ रहा हूँ। यहाँ पे टोटल 9 प्लेटफॉर्म है, लंबी सी प्लेटफॉर्म का लाइन है, 9 प्लेटफॉर्म है। इधर मैं ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ और जो दृश्य है यहाँ का, इतना अच्छा दृश्य लगता है, मैं तो इतना मोहित हो जाता हूँ। क्योंकि शाम के टाइम पे यहाँ पे देखते हो जैसे कि कोई 3D गेम चल रहा हो, इतना सुंदर यहाँ का दृश्य होता है। देखो आप देख सकते हो जैसे कि कोई 3D गेम चल रहा हो, ऐसा बिलीव ही नहीं होता है। और गोरखपुर काफ़ी सुंदर शहर है, आप भी विजिट कर सकते हो इधर। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये जो जाल है, इधर जाल जैसा दिख रहा है ना, वो प्रोटेक्शन के लिए है कि कोई उधर से कूद ना जाए। तो मैं अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर ऐसे घूम रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त लोग अभी नहीं आए हैं। तो मैं, और मेरा ट्रेन जो है वो कल सुबह की है, सुबह 5 बजे, तो मुझे आज रात भर ऐसे रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर रहना पड़ेगा। तो मैं इधर अभी तब तक वीडियो शूट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा है ना। और शाम का टाइम है, अराउंड 6 बजे का टाइम है। वाओ, और जो ये वाला सीन है ना, ये तो मुझको सबसे अच्छा लगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे लग रहा है कोई 3D गेम, पबजी फ्री फायर में जैसा सीन आता है ना, आर्टिफिशियल सीन, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये रियल है दोस्तों। इन्जॉय करना होता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके, हम बैठ के ट्रेन के आते जाते ट्रेन को देखते हैं, इतना मज़ा आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक ट्रेन जा रहा है धीरे धीरे, अभी छूटा है यहाँ से स्टार्टिंग में। और जो यहाँ पे ट्रेन है वो सब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, कोयले से कोई नहीं चलती है। पहले के ज़माने में कोयला वाला ट्रेन हुआ करता था, पर अभी सभी सिर्फ बिजली से चलती है। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 9। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रेन सुबह के है, तो हम अभी शाम है, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म? अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताना। और मेरा इसका part 3 जो है वो भी एकदम जल्द ही रिलीज़ करूँगा मैं, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। उसमें RK यूनिवर्सिटी और राजकोट और पूरा ट्रेन का सफ़र का मैंने वीडियो बना दिया है, सिर्फ अब उसको रिलीज़ करने का बाकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।